हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज आपके लिए मैं एक ऐप का रिव्यू लेकर आया हूँ जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल एज ऑन यूएस स्टॉक मार्केट। अगर आप इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स बाय करना चाहते हैं तो आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ये चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से एक ऐप आया है जिफी, जिसपे आज मैं आपको उसका रिव्यू देने वाला हूँ। मोबाइल का हम लोग रिव्यू लेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, इसके अंदर कौन से नए नए फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। प्लस अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस रखते हो, अगर आप फंडामेंटल स्टडीज करना चाहते हैं तो इस पर एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस बहुत डिटेल्ड में और एक्यूरेटली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एक्सपर्ट कॉल्स या टिप्स भी चाहते हैं, अगर आप थोड़े बहुत रिसर्च भी चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू आपको वो भी प्रोवाइड होती है। थर्ड चीज, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा नहीं जानते बट आपको कुछ मेजर लेवल्स चाहिए जिसके बेसिस पे हम अपने ट्रेड्स ले पाए तो वो भी ये ऐप प्रोवाइड करवाती है। चलते हैं इस ऐप की बात करते हैं, और इस ऐप का नाम है जिफी बाय चॉइस ब्रोकिंग। तो हम बात करते हैं इस ऐप की और देखते हैं क्या क्या नए नए फीचर्स हैं जिसपे हम लोग अपना काम कर सकते हैं। चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग अपने फ़ोन पे आ चुके हैं एंड फ़ोन पे मैंने ऐप ओपन कर रहा हूँ जिफी का। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऐप आप का आइकन दिख रहा होगा और ऑलरेडी बुल बना हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। तो चलिए ऐप को ओपन करते हैं, एंड जैसे ही आपको ओपन करेंगे आपको अपने क्रेडेंशियल्स डालने हैं, एंड आप जैसे ही लॉग इन करेंगे आप फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं एंड अपना प्रिंट डाल सकते हैं, एंड जैसे ही आप अपना लॉग इन क्रेडेंशियल्स डालेंगे ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा एंड इस तरीके का आपको सेटअप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जनरली होता क्या है ना, जब आप इस सेटअप के अंदर आओगे और उस पर बहुत अच्छी खास बात चीज़ें क्या क्या हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ऊपर ही आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो भी हम लाइव मार्केट पर ना रेगुलर बेसिस देखते हैं ना, तो वो हमें ऊपर ही मिलता है, हमें उसे स्क्रोल नहीं करना पड़ता। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है जो एक जिफी आप प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा और टोटल 5 वॉच लिस्ट है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, एंड 5 वॉच लिस्ट में एक वॉच लिस्ट के अंदर हम लोग 50 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड साइन। तो इन टोटल हम लोग 250 स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी स्टॉक आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल M&M है एंड सेकेंड वॉच लिस्ट के अंदर, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, हम इन 4 ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। उससे पहले अगर आप चेक कर सकते हैं आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिड ऑर्डर्स एंड आस्क ऑर्डर दिख रहा होगा, आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजंस ज़रूर ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें चार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम स्टडी करते हैं, एंड हर ट्रेडिंग टर्मिनल के लिए ना जो भी हम ऐप यूज़ करते हैं हमें चार्ट्स देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और उसके लिए हम लोग अदर टर्मिनल्स पे रिलाई करते हैं। तो अगर हम M&M का चार्ट ओपन करते हैं तो क्लियर बेसिस पे यहाँ पर हमें सारी डिटेल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा देता है। नीचे सारे टूल्स हैं, सारी कैंडलस्टिक स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्टाइल्स हैं, हम सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर हम अपने खुद के एक्टिव इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस यूज़ कर सकते हैं, एवरी अदर थिंग्स हैं। तो आई थिंक ये हमारे लिए प्रेफरेबल है कि हम इस पे अपने चार्टिंग सिस्टम को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नीचे का और चीज़ें दिखा देता हूँ एंड उसको और थॉरली समझते हैं। हम स्टडी करते हैं, हमने M&M का ओपन करा एंड हम स्क्वायर ट्राइंगल पे गए, एंड ट्राइंगल पे जब आप जाओगे ना पहले वाले आइकन पे तो आपको सारी डिटेल्स उसके दिख जाएंगे, जो भी स्टॉक्स के बारे में डिटेल है उस पर्टिकुलर स्टॉक के, मार्केट डेप्थ आप देख सकते हैं, आप स्क्रिप्ट की पूरी इन्फो देख सकते हैं, 52 वीक हाई 52 वीक लो, इसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं, डेली बेसिस का ओपन क्लोज प्राइस सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगी, मार्केट कैपिटलाइजेशन सारी चीज़ें। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप पिवट पॉइंट्स भी चेक कर सकते हैं। पिवट पॉइंट्स क्या होता है, पिवट पॉइंट्स होता है जो ये चीज़ प्रोवाइड करवा रही है कि आपको वेरियस अदर डेली वीकली मंथली बेसिस के अंदर आपको बताती है कि कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और कहाँ पर रिलाई कर सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक। तो आप देख रहे होंगे आपको R1, R2, R3, S1, S2, S3 दिख रहे होंगे, तो मल्टीपल 3 सपोर्ट्स एंड 3 रेजिस्टेंस आपको एक स्टॉक के प्रोवाइड करवाते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको स्टॉक को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा आप फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स इसी के अंदर देख सकते हो, आपको इसको अलग से फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वॉच लिस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। नीचे जाके आप न्यूज़ देख सकते हो, रीसेंट अगर अभी कोई भी न्यूज़ आई होगी M&M से रिलेटेड तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग भी इसके बेसिस पे कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल स्टडी कर लिया, M&M का भी प्राइस ट्रेड कर रहे हैं 764 रुपीज़ पे,
मेरे को लगता है स्टॉक बेटर है, और इसका डेली का जो हाई है वो 770 रुपीज का है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको अपने सेट अलर्ट पे अगर मैं जैसे क्रिएट करता हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे को 770 के ऊपर बाय करना है एंड ऑटोमेटिकली वो अलर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 770 के ऊपर जाएगा मेरे को एक नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड तब मैं एंटर कर सकता हूँ। मुझे बार बार मार्केट रेगुलर बेसिस पे वॉच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं डायरेक्टली इसे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। प्लस मैं यहीं पर ही, मुझे एनएससी की डाटा या सेंसिबल के वेबसाइट्स पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही ऑप्शन चेन को क्लिक करके इसका ऑप्शन डाटा भी स्टडी पूरा कर सकता हूँ। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही सिंगल स्क्रोल के अंदर हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, एक सारी रिसर्च प्लेटफॉर्म इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने स्टडी कर लिया है, स्टॉक 770 पे भी आ चुका है। अब क्या है, हमारे पास एक दो ऑप्शन है, या तो बाय या तो सेल। 770 पे आई थिंक आई विल गो फॉर अ बाय। तो मैं सीधा अगर बाय पे क्लिक करता हूँ तो डेफिनेटली सारी चीज़ें सेम है, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल, एसएलएम, आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड 669 रुपीज पे, सॉरी 769 रुपीज पे। आपका मन है आप 770 पे बाय करना चाहोगे, यू कैन यूज लिमिट ऑर्डर। इंट्राडे अगर आपको लगता है ये आज के आज ही आपका टारगेट आ जाएगा, यू कैन सेलेक्ट इंट्राडे। आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट करा 770, बाय और सेल हो गया एंड आप सीधा यहाँ पे डेली पे स्क्रोल कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आपका बाय हो जाएगा जैसे ही वो 770 को टेस्ट करता है। अदर देन आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। मार्केट ऑर्डर पे वही होता है, जो भी प्राइस अभी चल रहा होगा एमएनएम का आप उसी प्राइस पे उसको बाय कर लोगे या सेल कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये चीज तो समझ ली होगी, वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, एक स्टॉक की थॉरली रिसर्च कैसे करते हैं एंड उस पर ट्रेड कैसे लेते हैं। अब आप सेकेंड में आओगे, जब आपने एक ट्रेड ले लिया अब आप उसे चेक कहाँ करोगे कि वो कहाँ पर है। तो आप अपने ट्रेड सेगमेंट पे जाओगे जो वॉच लिस्ट के बिल्कुल बराबर में है, वहां पर पोजीशंस पे आपको शो कर जाएगा अगर आप इंट्राडे के लिए हो चाहे आपने होल्डिंग बाय करी होगी। अगर आपने आज के दिन बाय करी है तो आपको वहां पर पोजीशन पूरी शो कर जाएगी, आपने कौन से ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टारगेट स्टॉप लॉसेस के भी करे होंगे, वो भी पूरी स्टॉप लॉसेस आपको यहाँ पर ऑर्डर्स पे शो करना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जैसे पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो पोर्टफोलियो पे आपने आज को एक होल्डिंग का स्टॉक लिया एंड आपने कल उसको जब देखोगे तो वो आपके ट्रेड्स पे पोजीशंस पे शो नहीं करेगा, आपको ये शो करेगा आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स पे एंड यहाँ पे फिर आप उसको स्टडी कर सकते हो, फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा इसी के साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा फीचर ऐड करा है फॉर म्यूचुअल फंड्स। आप बराबर पे ही म्यूचुअल फंड्स का अपना पूरा डाटा स्टडी कर सकते हो, जो भी आपने बाय करे हुए हैं। यू जस्ट हैव टू सेटअप योर अकाउंट, विद इन अ मिनट आपका अकाउंट सेटअप हो जाता है एंड यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड्स भी डायरेक्टली बाय कर सकते हो और स्टॉक्स के साथ ही उसको अपने पोर्टफोलियो पे रख सकते हो और उसको एग्जामिन कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड साइन जो जीफी ऐप हमें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी बात बाद में करेंगे रिसर्च की, सबसे पहले अकाउंट्स पे चलते हैं। रिसर्च ये रहा एंड हम लोग सबसे पहले अकाउंट्स पे स्टडी करेंगे एंड रिसर्च जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत एक्साइटेड है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं। अब देख सकते हैं अगर हम अकाउंट्स पे आते हैं तो एक टॉप से लेकर बॉटम तक स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात आती है फंड्स की, तो फंड्स पे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, आपका लेजर दिख जाएगा, आपका अवेलेबल बैलेंस दिख जाएगा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। आप फंड्स पे क्लिक करके ही विड्रॉ कर सकते हैं, आप यहीं पर ही डिपॉजिट कर सकते हैं एंड आप सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। अगर हम बैक जाते हैं तो म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यू जस्ट हैव टू ओपन योर अकाउंट, आप मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के, जो भी आपको ट्रेड लेना है एंड उसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो थ्रू SIP और थ्रू लमसम अमाउंट। इसके अलावा अगर हम और नीचे चलते हैं तो येस गाइस, ये जो बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब जनरली होता क्या है ना, जब हम एक इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए जब हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम मल्टीपल एसेट्स पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टॉक्स पे लगाना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा अमाउंट लगाना चाहते हैं, हम थोड़ा इंश्योरेंस के लिए रखना चाहते हैं, बट तीनों के लिए ना हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है। बट ये पर्टिकुलर ऐप हमें एक पूरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करने का, एक डाइवर्सिफिकेशन देने का एक ही ऐप के अंदर प्रोवाइड करवा रहा है। अगर मैं इंश्योरेंस के अंदर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा इंश्योरेंस बाय करना है, क्या मेथड होगा, आपको सारी चीज़ें ये खुद बता देगा कि कैसा इंश्योरेंस अमाउंट होगा एंड आप इसके थ्रू पूरा का पूरा बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं आप कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस करवा सकते हैं और ये भी आपके साथ यहीं पर इस ऐप के अंदर रहने वाले हैं। सो आई थिंक आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये अकाउंट ओपन करवाना है। तो इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, इस ऐप को अकाउंट ओपन करवाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, जैसे ही वीडियो एंड करूँ तुरंत जाके अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का वो सबसे बढ़िया है। अब नीचे चलते हैं, अब नीचे आएंगे जिफी ग्लोबल पे।
जिफी ग्लोबल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप गाइस एक्चुअल में नॉट इन इंडिया बट इंडिया के बाहर के स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस गाइस आपको सिर्फ अपने एक फ्री अकाउंट ओपन करवाना है वो भी विद इन 2 to 3 minutes अकाउंट ओपन हो जाएगा। फ्री अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है और यहाँ पर सिंगल अकाउंट है। सिंगल अकाउंट यानी कि आपको दो अलग अलग अकाउंट रखने पड़ेंगे फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल एज फॉर द ग्लोबल स्टॉक मार्केट। बट गाइस आई थिंक ये सबसे ज्यादा प्रेफरेंस है कि आप यहाँ पे यूएस के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, एप्पल, टेस्ला, हर स्टॉक्स पे। चलिए बैक जाते हैं, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमने अभी स्टडी करी ना इतनी देर से कि हमें अलग अलग वेबसाइट्स पर रिलाय करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऑप्शन डाटा देखना है तो मुझे एनएससी या सेंसिबल पे जाना पड़ता है। अगर मुझे चार्ट्स देखने हैं तो हमें ट्रेडिंग व्यू पे जाना पड़ता है। अगर हमें ग्लोबल मार्केट का डाटा देखना पड़ता है तो हमें investing.com पे जाना पड़ता है। अगर हमें इंश्योरेंस बाय करना पड़ता है तो अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है। बट एक्चुअल में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल रही है। अभी तक तो हमने सारी चीज़ें स्टडी कर ली है। अब जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो आपके माइंड में आ रहा होगा, सर तो ग्लोबल इंडाइसिस, इंडिया के बाहर के इंडाइसिस को कैसे स्टडी करें? तो गाइस वो भी इन्होंने ऑप्शन आप माय प्राइस अलर्ट के अगर नीचे क्लिक करेंगे ग्लोबल इंडेक्सेस पे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जहाँ डाउ जोन्स हो गया, फिटसी हो गया, हांगकांग का हो गया, जापान का हो गया, सिंगापुर का हो गया, चाइना का हो गया, फ्रांस के हो गए, सारे मेजर इंडाइसेस के आपको यहाँ पर दिख रहे हैं एंड आप इसके बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है रिसर्च की। अब रिसर्च पे ना आप सब लोग जानते होंगे सुमित बगड़िया को जो न्यू जी बिजनेस के अंदर आते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे बहुत कुछ देखने को हमें मिल सकता है। इससे आपकी एक्चुअल में ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक्सपर्ट एंड सिग्नल के। हम सबसे पहले एक्सपर्ट को स्टडी करते हैं। अब नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्टिव कॉल्स कौन सी हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि आपका एस्टिमेट प्रॉफिट कितना होगा, अगर आप एक क्वांटिटी बाय करते हैं एस्टिमेट लॉस कितना होगा। खुद आप उस चार्ट को स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे उन्होंने आज कोई कॉल दिया तो आप स्टार्ट चार्ट पे जाके उसको स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है, अपनी खुद की पर्सनल एनालिसिस कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आप और नीचे जाके सारे एक्टिव कॉल्स, इक्विटी के अलावा आप डेरिवेटिव सेगमेंट के भी देख सकते हैं। डेरिवेटिव सेगमेंट के आपको ऊपर टोटल 90 days का लास्ट परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि 71% इज द एक्यूरेसी इन डेरिवेटिव्स एंड ऑलमोस्ट 71% इज द एक्यूरेसी इन। आप करेंसी पे ट्रेड करना प्रेफर करते हो तो वो भी आपको यहाँ पर सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं। अब आप फिल्टर पे आएंगे तो फिल्टर पे आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पोजिशनल चाहिए या फिर इंट्राडे चाहिए। आई थिंक आई एम एन पोजिशनल ट्रेडर तो आई गो विद पोजिशनल ट्रेडर। इसके अलावा मुझे सारी एक्टिव कॉल्स ही चाहिए जो अभी एक्टिव हैं, जो क्लोज हो गई है मुझे उनसे अभी मतलब नहीं है एंड मैं एक्टिव करूंगा और मैं चाहता हूँ पोजिशनल कॉल्स वीकली बेसिस के अंदर हो एंड मैं सिंपली इसे अप्लाई कर दूंगा। मैं जैसे ही अप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे शो होना स्टार्ट। अब चलते हैं एक बार सिग्नल्स, तो सिग्नल्स के अंदर भी बिल्कुल सेम चीज़ है एंड सिग्नल्स पे ना दो टाइप ऑफ सिग्नल्स हमें प्रोवाइड हो रहे हैं एंड दो टाइप्स ऑफ सिग्नल हो गए इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। इक्विटी के अंदर भी 3 segments हैं और डेरिवेटिव के अंदर भी 2 segments हैं, लेट मी शो यू। एंड उन्होंने जो नाम सोचा है इट्स वेरी गुड, मजा आते हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, अगर हम इक्विटी की परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दो ज़्यादा एक्टिव कॉल्स, टारगेट रेट अचीव्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप लॉस फिगर, सो सारा डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो जाता है। आप सारी चीज़ें चेक, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है विच इज अ गुड साइन। अब फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर पे आपको यहाँ पर अब 3 चीजें दिख रही होंगी, इंटरेस्पर्ट, डार्क हॉर्स एंड क्यूकॉन सीकॉन। तो अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आपको किस पे काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्पर्ट हो गया कि इंट्राडे की कॉल्स आपने आज खरीदी और आपको आज ही निकलना है, आप इसको अप्लाई करते हैं तो सारी आपको इंट्राडे की कॉल्स देखने को मिलेंगी। अगर आप नीचे जाके डार्क हॉर्स पे सिलेक्ट करते हैं तो डार्क हॉर्स मीन्स कि आप पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं, एज अ स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, तो वो सारे आपको पोजिशनल स्टॉक्स देखने यहाँ पर मिल जाएंगे। आप इसके अलावा डेरिवेटिव्स पे भी जाके चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स पे आपको इंट्राडे है, फॉर एग्जांपल मैं इंट्राडे नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ओके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इक्विटी की, तो डेरिवेटिव्स में और अच्छे से समझाता हूँ। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ें देख ली हैं। अब ये याद रखना इक्विटी मार्केट पे ना हम लोगों को 3 options मिलते हैं, इंट्राडे, पोजिशनल एंड सीक्वेंट। सीक्वेंट क्या होता है, ये क्वांटिटी और क्वालिटेटिव बेसिस के अंदर हमें स्टॉक्स बताते हैं जिसमें हम मंडे को बाय कर सकते हैं और फ्राइडे को एग्जिट कर सकते हैं T+5 यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। सो अगर मैं सीक्वेंट को अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे बता देगा कि कौन से शॉर्ट टर्म के ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं बाय कर सकता हूँ जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। इसके अलावा अब चलते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर, इनके भी 2 segments हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर थे 3, डार्क हॉर्स, इंटरेस्ट स्पर्ट एंड सीक्वेंट, यहाँ पे 2 हैं। अगर हम फिल्टर्स पे जाते हैं
तो फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर इंट्राडे एंड फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर पोजिशन, हम सीधा इंट्राडे पे क्लिक कर सकते हैं। आई थिंक मुझे टुडे के लिए चाहिए जो अभी के लिए होगा एंड जो भी एक्टिव कॉल्स होंगे। अब मैं उसे जैसे ही अप्लाई करूंगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर मुझे दिखा देगा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई बात नहीं, हम पीछे चल सकते हैं एंड कुछ और अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करो तो हमें पता चल गया यहाँ का फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है। आई थिंक सेकेंड टारगेट अभी भी एक्टिव है तो हम उसके थ्रू जाके अपना ट्रेडिंग बेट ले सकते हैं। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और ये सिंगल ऐप के अंदर हमें सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। एक बार चलते हैं अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। अगर आप ऊपर से चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, आप यूएसडी आईएनआर क्रूड ऑयल। अभी देखिए क्रूड ऑयल की वजह से ना मार्केट में बहुत हाइप चल रहा है, मार्केट अप एंड डाउन कर रही है, तो आप इंडिया विक्स को हटा के क्रूड ऑयल को ऐड कर सकते हो एंड आई थिंक उससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि पता चलेगा कि क्या चल रहा है, उसकी वजह से मैं इंस्टेंट इंपैक्ट ले सकता हूँ मार्केट के अंदर, अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। सो गाइस इस सिंगल ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, आपको रिसर्च मिल रही है सबकी तरफ से एंड इट्स द एक्सपर्ट इन द सिग्नल कॉल्स। आप इसे फिल्टर आउट कर सकते हो थ्रू इंट्राडे, थ्रू पोजिशनल एंड थ्रू स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आप इसे डेली वीकली एक्टिव के थ्रू ले सकते हो एंड सारी चीज़ें आपको एक सिंगल ऐप के अंदर प्रोवाइड कर रही है। सो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ओपन योर अकाउंट राइट अवे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर और मिलेंगे हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे गाइस। हाय एवरीवन, सो आई होप आपको ये ऐप का रिव्यू बहुत पसंद आया होगा। इसके अंदर बहुत ग्रेट डील्स और फीचर्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और जो हमारे मार्केट पे ट्रेडिंग करते समय और इजी बना सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है ना, हमें अलग अलग विंडोज ओपन करनी पड़ती हैं फॉर ग्लोबल मार्केट, टू सेट अलर्ट्स, टू ट्रेड इन अदर IPOs और बहुत सारी चीज़ों का ना सिस्टमैटिक होता है। हम चार्ट्स कहीं और रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल्स कहीं और वेबसाइट में जाकर करते हैं, ऑप्शन चेन कहीं और स्टडी करते हैं, बट एक सिंगल ऐप के अंदर हमें सब कुछ प्रोवाइडेड। तो अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हैं एंड बहुत सारे फीचर्स वो आप एंजॉय कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे गाइस, मैं मिलता हूँ आप लोगों से।